हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये ग्रेविटेशन पे बेस्ड है। तो शुरू करते हैं। स्टेटमेंट है न्यूमेरिकल की, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट, सेकेंड में हमें फाइंड करना है नेट डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो हमें स्टेटमेंट में कहा क्या है, हमें कहा है कि एक स्टोन है जिसको हमें वर्टिकली अपवर्ड फेंका है विद दिस वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड से। हमें वो मैक्सिमम हाइट, वो मैक्सिमम ऊंचाई फाइंड करनी है जहां तक वो पहुंचेगा, और नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं जो जो हमें गिवन है। पहले डायग्राम बनाते हैं। हुआ क्या, यहाँ पे ग्राउंड है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक स्टोन है। मैंने उस स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकल जो होती है वो ऐसी सीधी लाइन होती है परपेंडिकुलर टू द अर्थ, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो पैरेलल टू द अर्थ लाइन होती है। तो हमें यहाँ पे कहा गया कि वर्टिकली फेंकिए अपवर्ड। मैंने यहाँ पे खड़े होकर स्टोन को ऐसे वर्टिकली अपवर्ड फेंक दिया। सपोज वो यहाँ पे जाके रुक गया। जब भी हम किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऊपर फेंकूंगा तो ये ऊपर आके एक पॉइंट पे ये रुक जाएगा। एक यहां से फेंका तो ये एक पॉइंट पे आके रुकेगा, फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो जिस पॉइंट पे वो रुका है, सपोज वो यहाँ पे है, मैंने ए से फेंका और बी पे जाके वो रुक गया। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाके रुक जाता है। हमें वो मैक्सिमम हाइट ही पता करनी है कि कितने डिस्टेंस तक वो गया है। सपोज वो बी पॉइंट पे जाके रुक गया, हमने यहां से फेंका है तो यहाँ पे हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी जिसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। जब वो यहाँ पे आके रुक गया, मैक्सिमम हाइट तक आके रुक जाएगा, रुक गया है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है कि कितना है, हाइट फाइंड करनी है। तो हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, जहां पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, और s जो है वो डिस्टेंस है। यहाँ पे हमारे पास u जो है वो गिवन है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। v जो है वो कितना है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि वहां पे रुक गया है। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या है, हम नीचे से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ लेते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, इसलिए हमें ग्रेविटी को माइनस में लेना होता है। तो यहाँ पे हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेंगे -10। माइनस में इसीलिए लिए है क्योंकि हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी है। जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकते हैं तो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, ग्रेविटी की उल्टी डायरेक्शन में काम करते हैं। ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ धकेलती है, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसे माइनस में लिया। तब अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। हमें बेसिकली एस फाइंड करना है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एस फाइंड कर रहे हैं। तो वी की वैल्यू कितनी है, 0। यू की वैल्यू कितनी है, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए की वैल्यू कितनी है, -10। एस जो है वो हमें फाइंड करना है, -0 का स्क्वायर 0, बीच में -40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया -20 इंटू एस। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 80 टाइम्स गया, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 80 मीटर्स। तो जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, वो कितनी है, 80 मीटर। मीन्स 80 मीटर की हाइट पे जाके जो हमारा स्टोन है वो रुक जाएगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने स्टोन को यहां से फेंका, वो ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से स्टोन वापस नीचे की तरफ यहाँ यहीं पे आ गया। मीन्स जहां पे हमने स्टोन को
फेंक जहां से हमने स्टोन को फेंका था वापस स्टोन वहीं पे आ गया। मान लो मैंने ए पॉइंट से स्टोन को फेंका था और वो ऊपर गया बी पॉइंट से, फिर वो बी पॉइंट से वापस नीचे की तरफ ए पॉइंट पे फिर से आ जाएगा। मीन्स वो जहां से चला था वहीं पे वापस आ गया, इसीलिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में कोई पाथ है ही नहीं है। वो जहां पे पहले था बाद में भी वो वहीं पे खड़ा, उसने कुछ टाइम लिया लेकिन बाद में फिर से वो वहीं पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो जीरो हो जाएगी। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस स्टोन ने कितना कवर किया, एक बार ए से बी में गया, टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी तक गया, कितना डिस्टेंस कवर किया 80, उसके बाद बी से ए की तरफ आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया 80, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर कर लिया 160 मीटर। तो डिस्टेंस हाइट कितनी थी मैक्सिमम 80, टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पे आ गया, ए पॉइंट से वो चला था और वापस ए पॉइंट पे ही आ गया है, इसलिए जो है वो जीरो हो गई। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है वो एक बार ऊपर गया 80 मीटर, बाद में फिर 80 मीटर नीचे आया, मीन्स टोटल डिस्टेंस जो है वो 160 मीटर का उसने कवर किया। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको कोई सजेशन देनी हो फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।